This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. welcome to the market show. जो ग्रोथ है उसके बारे में बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की आपको पता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके पेस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं गवर्नमेंट स्टिस्टिक्स की जानब देखें तो ऐसे लगता है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं जब इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एनालिसिस देखें वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरा दिखाती है उसके अलावा बैन अमी मालियाती इदारे जो हैं वो वक्त के साथ साथ अपने मुफाद के साथ साथ अपनी राय बदलते रहते हैं कभी हमारी मीशत को बहुत अच्छा कह देते हैं कभी उन्हीं सर्टिस्टिक्स को देखते हुए हमारी मीशत को बुरा कह देते हैं और जहाँ तक स्टॉक्स की बात है मैं उसके मामले में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसका बर रास्त तल्लु सरमाकारी के साथ है और सरमाकारी चाहे बैनवा मालिक से पोर्टफोलियो की सूरत में या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सूरत में आ रही हो दोनों सूरतों के अंदर बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे साथ आज बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्त हुए हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब

आप देखाल के देख लें स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स जी जी और रिपोर्ट्स आप निकाल के देख लें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की आपकी औसत सालाना ग्रोथ रेट साढ़े चार फीसद रही है 1980 की दिहाई के बाद एक चीज तो आप अगर ये देख लें कि 25 साल हो गए आप ये भी देख लें कि 1988 में पाकिस्तान स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के तहत आईएमएफ के प्रोग्राम में फंसा था यह फंसाया गया था पहली दफ़ा स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम सही मानों में उन्नीस सौ अठासी से आया जी पहले तो वो कर्जे वर्जे देते दे दे थे उसके बाद उन्होंने हमारी जो है वो गर्दन में नाप ली जी तो ये कोइंसिडेंस है या वाक़ी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और मैंने आपके प्रोग्राम में देखा आप बात करते हैं जी स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ जी जी। तो उनका तो कहना यही था कि जी आप ग्रोथ छोड़ें पहले आप अपनी इकोनॉमी को जो है मुस्कम तो कर लें स्टेबलाइज तो कर लें यानी हार्ट अटैक में हैं आप तो पहले कुछ अर्सा रेस्ट करें भाग दौड़ ना करें तो इसी चक्कर में हम तो निकल गए तो ये एक कौम को समझना चाहिए कि इस पच्चीस साल में और भी वजूहत हैं जी जी लेकिन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो आई एम एफ का शुरू किया और जो भी हुकुमत आती है उसके पीछे भागती है क्योंकि कम्फर्ट जोन मिलता है उनको जी जी सही कह रहे हैं आप एक तो ये चीज़ हो गई जी, जी मान लेना चाहिए जी मान लिया दूसरी ये कि हम जो थोड़ा बहुत समझे हैं वो ये है कि अगर चार चीज़ें नहीं हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रो ही नहीं कर सकती एक आपका जीडीपी के तनासब से हमारी टैक्सों की वसूली जो आपका महबूब टॉपिक भी रहा है तो वो कम से कम मेरे हिसाब से अब 18 से 20 फीसद होना चाहिए टैक्सों का 18 से 20 फीसद अठारह से बीस फीसद जी जो तो बारह पूरे नहीं हो रहे मेरे ख्याल नहीं पूरे तो दस भी नहीं हो रहे लेकिन रियलिस्टिकली ये जो फैक्चुअली भी मैं नहीं कौन कितने है? होंगे हमारे हमारा क्या है बस लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्सेस से है यानी को निचोड़ के है इनकम टैक्स पे नहीं है होल्डिंग टैक्स का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा आमदनी उनको छोड़ दें तो हमारा जो पूरा सेवेंटी फाइव परसेंट है वो ऐसा है कि आवाम को निचोड़ा इनकम पे नहीं है एंड विद होल्डिंग टैक्स जो वैसे अपने माइंड में क्लियर करना विद होल्डिंग टैक्स की एप्लीकेशन जो है वो गरीब पर भी उसी तरह है जिस तरह अमीर पर है मैं ये तो, तो पढ़े तो लिखे लोग करते हैं ना जो आप कह रहे हैं मतलब मैं जो बात करूंगा वो हाँ। क्या करूंगा कि विद होल्डिंग टैक्स का मतलब ये कि आपको टैक्स चोरी करना है तो कर लें मुझे कोई एतराज नहीं है आप अगर टैक्स चोरी करना चाहते हैं तो कर लें कर रहे हैं मगर मैं आपसे उसकी थोड़ी सी कीमत लूंगा हल्की सी ये विद होल्डिंग टैक्स है यही हमारा महबूब शौक है इसलिए कि जिस आदमी जो आप कह रहे हैं ना जिस आदमी की इनकम ज्यादा है वो भी उतनी परसेंट दे रहा है वो परसेंटेज के हिसाब से और हाँ। जो बेचारा गरीब मस्कीन है फुटपाथ पे बड़ा वो वो भी यानी इंक्रीमेंटल रेट नहीं है अपर क्लास के लिए वो वही के रेट पे कर रहा है जो लोअर क्लास वाला लेकिन अमली तौर पर मतलब ये है कि आपको टैक्स चोरी करने को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया पहले तो हम कहते थे टैक्स चोरी रोकेंगे अब रोक नहीं पाए तो कह लेंगे चलो जी इन्हीं के साथ बट जाते हैं तो ये विधहल्डिंग टैक्स का निज़ाम आपका आ गया अच्छा डू यू बिलीव इन द गवर्नमेंट्स फिलासफी कि जैसे एयर ट्रैवल हो गया और एक्सपेंसिव कार हो गई इसके ऊपर मतलब कुछ इम्पैक्ट्स उसके आए तो वो फिर डायरेक्टली कह देते नहीं जी छोटी गाड़ी तो गरीब आदमी लेगा तो बड़ी गाड़ी लेगा अमीर आदमी तो उसको टैक्स लेकिन जब देखते हैं तो बिल्कुल अनएमिली है इसमें जो बड़ी गाड़ी है उसके ऊपर टैक्सेस बिल्कुल फ़र्क है अमीर आदमी की पाँचों के घी में सर कड़ाई में गरीब आदमी फिर भी सफर कर रहा है इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही है। नहीं मगर नौ नौ तो, तो जरूर है मगर मैं तो बेसिक बात कह रहा हूँ कि आपने एक आदमी ने कभी तो पहने नहीं उसको टाई बांध रहे भाई बेसिक बात यह है कि पहले तो आप एक निज़ाम बनाएंगे ना इनकम टैक्स का जब वो बन जाएगा तो उसमें जो ज्यादा आप जिसके पास अल्लाह ताला ने दौलत दी है उसके लिए दुआ भी करेंगे और मिले लेकिन उससे कहेंगे भाई आप थोड़ा सा सुपर टैक्स दे दें लेकिन अगर आप इनकम ही टैक्स नहीं ले रहे हैं ये फूल पत्तियों पर गुजारा कर रहे हैं तो विंडो ये तो फूल पत्ती तो बाद में आएगी ना बेसिक चीज़ अगर किसी मुल्क में इनकम टैक्स का इफेक्टिव निज़ाम नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में नहीं है तो ये एक ऐलिमाना इसत निज़ाम है जो कभी भी मुल्क को तरक्की नहीं करने देगा और इसकी मौजूदगी में अगर कोई तरक्की की दावा करता है तो वो झूठा है तो आप तहसाली निज़ाम जो है गरीब को नहीं छोड़ें उसके कपड़े इतना छोड़ें कि फट भी जाए उसे पेमेंट लगा लो और बाकी लोग मज़े में वो अपना तैरते रहें जी जी लाइफ एंजॉय करते रहें और एक जजीरे बनते रहें इमारत के और गरीबों का जो समंदर है वो सरदें फैलाता है डॉक्टर साहब एक सवाल था मेरे जहन में काफ़ी अरसे से और लोग भी उसके रेफरेंस में बहुत सारे सवाल भेजते रहे उसको मिला के जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूँ अब ये है कि हमारे यहाँ बड़े टैक्स पेयर्स के अंदर बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियाँ हैं जी जो कि हमारे मुल्क में इतना मुनाफा कमाती हैं लेकिन उनके मुनाफे पर सवालिया निशान नहीं खड़ा किया जा सकता क्योंकि वो टैक्स पे करती हैं डू यू थिंक दैट सिंस देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टैक्स इज वेरी बिग गवर्नमेंट अपनी आंखें या एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लेती है उनकी प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर क्योंकि उनके अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स हो जाते हैं बहुत दफा क्या ये आपने फील किया है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट डज नॉट पुट देयर हैंड्स ऑन दीज पीपल क्योंकि वो फिर टैक्स की किटी के अंदर फिर उनकी तरफ से पैसे आते हैं देखिए एक है जमाना है ये लिबरलाइजेशन डी और प्राइवेटाइजेशन तो पहली चीज तो ये उसके अपोजिट है ये सोच जी लेकिन अगर हम एक महसिब कौम है तो उसकी तरफ भी आना चाहिए जी, जी मगर वो पार्ट थ्री में आएगा पार्ट वन में नहीं आएगा पार्ट वन में ये है मैं आपसे अर्ज अर्स अभी आपने एक जुमला कहा वो टैक्स बहुत देते हैं ठीक है ना टैक्स देते हैं ना सिग्निफिकेंट टैक्स देते हैं जी जी सर सवाल ये है कि जितनी मल्टी नेशनल हैं सब टैक्स दे रही हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र करें हमारी बीस करोड़ की आबादी है मेरे हिसाब से तीस हजार रुपये महीना से ऊपर यानी टैक्स है पैंतीस हज़ार रुपये महीना से ज़्यादा जिसकी आमदनी उसको टैक्स देना चाहिए ठीक है ना स्लैब वाइज चार आ, चार करोड़ चार चार है चार लाख है ना चार लाख इस पढ़ाई तो नहीं सर चार लाख नहीं चार लाख है तो चार लाख का मतलब पैंतीस हजार रुपया महाना से कम जिसकी आमदनी है उसको टैक्स देना चाहिए और गोशवारा इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ होना चाहिए ना तो अगर इस मुल्क में मेरे हिसाब से एक करोड़ आदमी अलहमदल्ला ऐसे हैं जिनकी आमदनी पैंतीस हजार रुपये या उससे ज्यादा है टैक्स कितना दे रहे हैं ग्यारह लाख तो ये जो नबे लाख आदमी ये कौन है एक चीज इस नब्बे लाख में चंद लाख ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मालदार है यानी उनका आप सोच भी नहीं सकते दो कितने बताया आपने कितने उसमें अभी लाख में से लाख में से मेरे अपने ख्याल से कम से कम जो है तीस लाख होंगे जो बत, बहुत ज्यादा अमीर है बत्तीस लाख की लिस्ट तो आपने बनी हुई थी एफ ने क्लेम किया था और उसमें अगर मैंने सोचा था कि अगर आप पच्चीस हजार रुपये महीने भी टैक्स दे तो आपके ऊपर एक हजार अरब रुपए आ गया तो मेरा जो मसला है वो ये है जो मेरी परेशानी है वो ये है कि ये जो बत्तीस चालीस लाख आदमी हैं ये बेानतहा दौलत कमा रहे हैं और टैक्स नहीं दे रहे इसका जो नुकसान हो रहा है वो एक तो हो रहा है गरीब आदमी को एक हो रहा है मिडिल क्लास चोर को यानी हमारा जो मुतवसत तबका है वो टैक्स चोरी कर रहा है छोटी मोटी पच्चीस हजार रुपये साल कर लिए तीस हज़ार रुपये साल कर लिए और सत्तर हजार रुपये एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है जीएसटी और पेट्रोल में yes. उसको कह रहे यार खुदा के लिए क्या कर रहे हो तुम इसलिए कि वो जो बड़ा चोर है उसके नुकसान ये दोनों पूरे कर रहे हैं मिडिल क्लास और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ये हमारा निज़ाम है तो इसका सोचने की ज़रूरत है तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो फिर इन पर भी आएंगे कि भाई आप ये मुनाफा कैसे कर रहे हैं फिर वो जो चार्टेड अकाउंटेंट्स होली का उनसे भी पूछा जाएगा ये जो जा आप बैलेंस शीट सर्टिफाई कर रहे हैं ज़रा मेहरबानी करें जरा सा देख लें तो ये एक पहलू है मगर जो हमने आपका सवाल था तो मैंने कहा था एक है टैक्स जी डी पी रेशो जो अट्ठारह से बीस होनी चाहिए अभी दस है दस दूसरा सेविंग्स जीडीपी रेशियो बचत है बचतें आप करेंगे और टैक्स आएगा तो आप तरक्की करेंगे ना वरना न कर्जे देने पड़ेंगे तो कौम को बचतें करनी है तो हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो इस वक्त नौ फीसद तो यहाँ एक और चीज भी है ना सर करप्शन टू डी डी वो वो डी डी वो वही तो जो आप बताते हैं चौथे नंबर पर चौथे नंबर पर चार मेरे जहन में थी अब तीसरी अभी आप सेविंग टू जीडीपी दूसरे नंबर जी मैं मगर आपने जो बात कही है वो उन सबसे आम है

जी जी और नेशनल सेविंग्स पंद्रह जी बाहर से रेमिटेंस वगैरह आती हैं तो हैं और आपकी बैंकें जो है, वो डिपॉजिटर का बेड़ा कर रही है तो वो सेविंग्स नहीं करता नेशनलों पर, पर जो मुनाफा था वो गिरा दिया आपने ठीक है ना पेंशनर का गिरा दिया तो वो बचते नहीं कर रहे हैं ये आपका दूसरा रीजन है और तीसरा ये मुल्की पनामा में स्विट्ज़रलैंड में रखते हैं और प्रॉपर्टी में रखते हैं जी जिस पे आप प्रोग्राम करते रहते हैं मालियत कम है हाँ तीसरा और चौथा करप्शन ये चार चीज़ें हैं। अच्छा उस दिन में एक सबका प्रोग्राम के अंदर भी मैं आपसे बात कर रहा था मैंने कहा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी का जिक्र <coughs> <क्योंके हम प्रोपर्टी coughs> कर दिया असल में बात ये हसास मौजू इसलिए हो जाता है कि बहुत सारे लोगों की सेंसिटिविटीज़ इससे जुड़ी हुई आप तो आप और मैं तो थोड़े बेबाक हैं लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर टैक्स लग गया हमारा इसलिए उनके हिसाब से भी थोड़ा सा उनका ओपिनियन दे देते दे हैं आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर वो बहुत पावरफुल लॉबी है लॉबी भी है बहुत से लोग मेरे से जानने वाले भी यही वो लोग हैं जो खैरात के नाम नहीं देते है नहीं खैरात के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना अल्लाह भी नहीं तो कहा सतर बुरा करेंगे वो कहते नहीं हमें दुनिया में ही चाहिए हमारी से सर इस बारे में मैं कोई और मेरे परों को आग लग रही है ऐहसा ऐसा तो मैं सूरज के ज्यादा नजदीक नहीं जाता नहीं। लेकिन जो कंटेंश, बेसिक कंटेंशन थी ये फ्रॉम अ डिफरेंट आज मैं थोड़े डिफरेंट परस्पेक्टिव से उसे ले लेकर चलता हूँ साहब थे उन्होंने सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम कराची की चूज की मुझे बताया कि यहाँ पर एवरेज फिफ्टी थाउजेंड बिल्टअअप यूनिट्स मौजूद हैं रफ

ज्यादा ट्रेडिंग होती है yeah. तो कहने लगे आपके पास तो आपको जीडीपी तो आपने सही कैलकुलेट ही नहीं किया मैं कहा क्यों कहने लगा आपके तो मैक्सिमम जीडीपी का एक पोर्शन जो है वो <coughs> रियल एस्टेट है जो अन अकाउंटेड फॉर है तो सर क्या हम अकाउंट फॉर करते हैं इज रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी पार्ट एंड पार्सल और कॉम्पोनेंट ऑफ द जी डी क्योंकि उन्होंने कहा यह तो फिर आपके उसमें जी में एड होना चाहिए उसकी रियलिस्टिक वैल्यू के साथ मैंने कहा इस बारे में मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि ये अच्छा, होगा या नहीं होगा जीडीपी में लेकिन ये कि ग्रोथ में तो नहीं होगा ग्रोथ में ठीक है हम तो ग्रोथ की बात करते हैं ग्रोथ, तो हाँ, तो हाँ, ग्रोथ की तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो दैट दैटीन अनएफेक्टेड उस पर फर्क नहीं पड़ता नहीं तो पड़ेगा बेस बेस भी तो कम था उसी इसी पर किया ना आपने आप सौ रुपए पर पांच परसेंट लगाए या दो सौ ना वो इतना फर्क नहीं पड़ा जी में तो हम तो खुद ही कहते हैं कि हमारी सत्तर परसेंट इकोनॉमी जो है सेवेंटी परसेंट सेवन जीरो ब्लैक है ब्लैक है उसकी वजह मैं बता दू आप ये बताइए कि आपके जो बैंकों में खाते हैं वो रिटर्न में कहा रिफ्लेक्ट हो रहे तो ग्यारह लाख है आप अगर यह देखेंगे एक लाख रुपए से ज्यादा के जो खाते हैं वो कहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ये जो आपका प्रोग्राम होता है जिसमें आप बताते हैं उनतालीस हजार स्टॉक एक्सचेंज वो कर गया तो ये जिनकी शेयर होल्डिंग से वो कहां रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कौमी बचत स्कीम है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड्स ये जो पैसे हैं जिन लोगों के हैं अल्लाह ताला उनको और दे अगर वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्लैक इकोनॉमी है वो बीस हजार अरब रुपया से ज्यादा है अब सर गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव सुने जी। वो कहते हैं हमने ऐसे मेजर्स अब क्रिएट कर दिए ऐसे पॉलिसीज डेवलप कर ली हैं ऐसे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अब जो टैक्स से बाहर रहता है उसको मजबूरन या तो टैक्स के अंदर आना पड़ेगा टैक्स के जाल, जाल में फंसना पड़ेगा आकर और फिर वहां पर तड़पना पड़ेगा बिल्कुल जैसे मछेरे जो पकड़ लेते हैं मछली को या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा कि अगर वो टैक्स जैसे आपने कहा कि उसे इस तरह से कहांट्यूशनलाइज कर दिया जाएगा कि टैक्स का जो कंपोनेंट है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से आएगी लाजमन गाड़ी खरीदो फरोख जहाज जा, का सफर इस तक के बच्चों की फीस भी जो कानूनी तौर पर गलत है आइनी तौर पर गलत है उसको मैं आपके साथ तो आप मेरे साथ शायद इतफ़ाक कर लें लेकिन मैं कर लूंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट इतफाक नहीं करता ना करें फैक्ट तो वही है जो आप कह रहे हैं क्योंकि मुझे किसी ने बताया और ये इंटरनेशनल रूल है कि लाइबिलिटी माइनर के ऊपर नहीं लगाई जा सकती ये कानूनी तौर तो पर तो फी बिल बच्चे का होता है वो बच्चा बाप की सज़ा नहीं काट सकता कहानी ख़त्म नहीं तो कुरान में भी है हर आदमी अपना बोझ खुद उठाएगा कुरान ने कहा ना तो इस्लामी जमहूरी है पाकिस्तान है तो अगर बाप नॉन टैक्स पेयर है तो औलाद की तालीम के ऊपर खास तौर पे अगर औलाद उसकी बेनिफिशियरी है तो टैक्स लाइबिलिटी पैसा, पैसा कहाँ से दे रहे हैं मुझे तो दे रहा जा, जा, मतलब ये क्या? रिश्वत का, ये का पैसा है नहीं ऐसा भी नहीं है कि हाँ, मैंने दस हजार रुपये महीना आमदनी दिखा रहा हूँ तो मैं बारह हजार फीस कहाँ से दे रहा हूँ तो करना पड़ेगा ना दस हजार तो दिखाई नहीं रहा ना वो दिखाई नहीं रहा कि वो है वो ही नहीं करता वर्चुअली पैंतीस से कम तो दिखा रहा है ना जब आपने चार लाख सालाना से कम आमदनी दिखाई तो आपने टैक्स नहीं दिया ना तो मैं अगर रिटर्न नहीं भरता तो मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मेरी आमदनी चार लाख रुपए से कम है ये तो आपने आ, अच्छा ये अगर आप नॉन नौ, नॉन फाइलर फाइलर हैं तो है ना और अगर नॉन फाइलर हैं तो फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगा कि आप प्रॉपर्टी खरीद क्यों रहे हैं आप जहाज में जा क्यों रहे आप कीमत क्यों मांग रहे हैं मैं ये कहता हूं मैं अगर हूं और तो मैं ये कहूं कि जो आदमी रिटर्न नहीं भरता वो तीन करोड़ का प्लॉट खरीद ही नहीं सकता नॉन फाइल की कीमत सोर्स ऑफ फंड नहीं है पैसे कहाँ आपके पास सोर्स ऑफ फंड तो आप प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं मुझे मुझे जवाब दें तो आपने जिस वक्त उससे थोड़ी सी कीमत मांग ली जिसको आपने हुकूमत कहा कि फखरिया कह रही है तो आपने वो जो कीमत मांगी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जनाब मैंने आपको भेजा था इख्तियारत अमानत थे आपने ये कहा कि तीन करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना खरीद लो थोड़ी सी कीमत दे देना तो उससे ये क्यों नहीं कहते कि भाई तुम जरा तो तो तीन करोड़ का टैक्स तो दे दो तो पहले जब तक आप ये कहेंगे कि टैक्स के दायरे में ला के तड़प रहा है कोई टैक्स नहीं देगा आप ये कहें कि भाई ये आपको अल्लाह ताला ने इस मुल्क में दिया है आप इस पर टैक्स दें हम इसको वापस करेंगे आप ही को ये हम आप आप ही को के अस्पतालों में देंगे हम सेहत में देंगे हम तरक्याती मंसूबों में देंगे हम मुल्क के दिफा में देंगे हम पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे हम गुर्बत खत्म करेंगे तो क्यों नहीं देगा आप टैक्स नहीं देते आप इस को छोड़ के चले कौन पकड़ के ला रहे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कहानियां जाना चले गए पिछले दोनों सोलह साल तक जो रहे वाले हमारे अलहमद लगे पिछले सोलह साल में जो दो रहे वो नहीं है ना तो मेरा आपसे अर्ज करने का मकसद ये है कि क्या ये कानून इस मुल्क में बनाना बहुत मुश्किल है जो आदमी टैक्स नहीं दे रहा

हेड ऑफ स्टेट जो है previous, आपने बहुत बड़ा इशू ये क्यों की तो नहीं थी ऐसे के भागना पड़ा लेकिन का कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा आपका एक प्रीवियस है नहीं आवा जिम्मेदार है आपसे फिर अर्थ करूँ अवामी जिम्मेदार है आप किस खुशी में जाके जिंदाबाद के नारे लगाते रहे आप किस खुशी में जाके हार पहनाते रहे उनको आप किस खुशी में उनकी तारीख में गुलाबे मिलाते रहे यही अवाम थे मेरा सिर्फ कहना यह था कि ये एक बीस करोड़ आदमी का मुल्क है ये मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं है दुनिया में सिर्फ पाँच मुल्क हमसे ज़्यादा बड़े हैं तो इस मुल्क को छोटा बना दिया है हमने अपने करप्शन से टैक्स की चोरी से गलत सोच से ये बीस करोड़ आदमियों का मुल्क तो जनाब दुनिया में एक बहुत बड़ी पावर होता कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में बैठाऊ मैं क्या बात कर रहे हैं आप छठा मुल्क है तो अपने आप को इतना गिराने के बाद चंद सिक्कों की खातिर कर्जे की खातिर हमने अरे हम कह रहे हैं जी मेरे पास दो प्लाट है अरे भाई दो प्लाट क्या हैं जब मैं वीज़ा लेने जाता हूँ आप यूरोप का वीज़ा लेने जाएं किस तरह आपको जलील किया जाता है क्या बात कर रहे हैं हमने अपना डिग्रेशन कर दिया है हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग आर्मी है तो ठीक है अब वो लेकिन अगर उसको पार्ट अमरीका नहीं दे तो फ़िजाइए बेकार हो गई जब आपके पास ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं इंजीनियर्स मौजूद हैं हर फील्ड के लोग मौजूद हैं तो आप ये क्योंकि हाँ क्या करके रहे सिर्फ कॉटन उगा लिया कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया कपड़ा और कहते जी हमने तरक्की कर ली भाई तरक्की तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग गुड्स से होती है मैं जो समझाऊँ दुनिया की तजारत इंजीनियरिंग गुड्स से हो रही है रिसर्च से हो रही है हमारी कॉटन और कपड़े से हो रही है क्या बात कर रहे हैं बांग्लादेश का रिजर्च आपसे ज़्यादा है तो मेरा कहना है कि जरा सा ज़मीन पर नीचे आ जाए और ये देखें अल्लाह ने हमें क्या दिया था और हमने इसको क्या कर दिया अब आप देखिए कल एक सेमिनार हुआ गवादर के मुतल जो उन लोगों ने बातें की हैं तो हम तो सुबह शाम ही की कह रहे किस्मत बदलेगी किस्मत बदलेगी खुदा के लिए ब्रेक मत लगाएं और ब्रेक किस्मत ऐसे नहीं बदला करती कि चाइना ने पैसा लगा दिया किस्मत बदलेगी किस्मत बदलेगी जब आप पैसा लगाएंगे तो किस्मत बदलेगी जब गवानर के लोगों को आप जॉब देंगे ट्रेनिंग देंगे जब बड़ी अम हाँ बात आपने की है तो मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है ब्रेक के बाद वापस आते हैं गवादर के मौजू पर मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ सीपे के ऊपर मेरी राय बिल्कुल अलहदा होती लेकिन डॉक्टर साहब से बहुत ज़्यादा मिलती है लेकिन फिर मैं बेचारा डर जाता हूँ क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के जिस तरह के हालात हैं अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में थोड़े से इंक्विजिटिव हों थोड़ी सी ज़्यादा सवाल पूछे तो आपकी नीयत के ऊपर शक शुरू हो जाता है खैर इस मौजू पर भी और दीगर मौजूद पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक लेते हैं लिस्ट के शॉट ब्रेक नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक गुफ्तु हमारी जारी है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ सर बात कर रहे थे आप इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने के लिए चार नुकाती एजेंडा आपने पेश किया सोल्यूशन भी साथ साथ ही आ गया जाहरी बात है जब आपने एक प्रॉब्लम को हाईलाइट किया तो उसको काउंटर करना है चारों के ऊपर मैं आपको एक वैसे बात बताऊं पेशरफ्त नहीं हो रही काफी सालों से हो रही है मनफी नेगेटिव मैं आपको सही बता दू इसलिए वजह बता दूँ पहले आपका ट्वेंटी परसेंट सेविंग्स था।, जी। अब 15 पर था अब आप पंद्रह पर आ गए टैक्स जीडीपी आपका चौदह था अब आप दस पर आ गए करप्शन आपका पाँच हजार अरब रुपया साल का टैक्स की चोरी है और तीन हजार अरब रुपया साल करप्शन है बच गए आठ हजार अरब रुपये साल यानी बाईस अरब रुपये रोज लेकिन मैं ये विजात कर दूं जब मैंने करप्शन की बात की थी तो फाइनेंशियल करप्शन के अलावा एक इंटेलेक्चुअल करप्शन भी था यानी जो पैसा है आपने करप्ट में तो नहीं किया लूटा तो नहीं मगर आपने गैर से फर्क साइंस पर नहीं दिया तालीम पर नहीं दिया रिसर्च पर नहीं दिया तो ये इंटेलेक्चुअल करप्शन भी हिस्सा है ये मेरी वो थी जी जी तो मेरा आपसे करने का मकसद ये ये रिसोर्स है उसके बावजूद साढ़े चार परसेंट ग्रोथ क्यों है एक मैं सवाल और फिर हम लीपा पोती करके कहते हैं जी शानदार तरक्की की आप मुझे एक बात बताइए पिछले 20 साल में कोई हुकूमत ऐसी आई है जिसने ये ना कहो कि हमने इकतसादी मुआवजा दिखाया और जब हम आए थे तो बैंक्रप्ट थी ये हम उन्नीस से सुन रहे हैं नहीं तो आप बता दीजिए किस हकूमत ने नहीं कहा यह भी कह रहे हैं कि हम हम जब आए थे बैंक्रप्ट थी और अब हमने मुआवजे दिखा दिए तो ये चीज़ क्या है जब से होश संभा पहले वजी अजम को जो तो हमने देखा तो वो तो नवाज शरीफ साहब समझ में आए कुछ जी जी बाद तो फिर बीबी और बीच में एकनामे दिखाए थे आपको मुझे नहीं पता मैं एक कारनामा बता देता हूँ यह किया पाकिस्तान का अफसर था जो वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रहा था पाकिस्तानी ओरिजन उन्होंने उससे कहा कि तुम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके उनकी सारी शर्तें मान ली चूंकि वर्ल्ड बैंक में नौकरी कर रहा था वहां भी नौकरी करनी थी उसको जब मान ली तो ईरान के उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो तुम ये शराब मान रहे हो तुम तो मर फंस जाओगे उन्होंने नहीं नहीं ठीक है तो क्या मुइन कुरैशी को ये इख्तियार था कि आलमी बैंक के एक मुलाजिम को कहे कि चूंकि आप पाकिस्तानी औरिजन के हैं तो आप पाकिस्तान को बाइंड कर दें उसने कर दिया इस मुल्क के साथ क्यों तमाशा कर रहे हैं तो थे, 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 है, उस वक्त तो नहीं थे ना अच्छा। हमारे जैसे इशरत साहब आए थे उनको जब अपॉइंट किया गया जब ऑर्डर इशू हो गए तो वो उस वक्त तक मुलाजमत में थे कानून के खिलाफ था मैंने एक जगह कह दिया मैंने कहा तो बन ही नहीं ये तो मैं मुलाजमत में है तो वो गए वहां जाके फिर जो भी मामला तय किया इस्तीफा दिया वो फिर आए

कहां की नेगोसिएशन उसने तो ये भी कहा था कि जो 1997 में इंडोनेशिया मलेशिया में बुरान आया था इकनॉमिक बुरान जी जी। वो वो है स्टेट डिपार्टमेंट ने बनाया था उसके प्लानिंग तो मतलब पाकिस्तानियों को हमें समझना चाहिए कि हमारा 20 करोड़ का आबादी का मुल्क है हम न्यूक्लियर पावर हैं हम आई एम वर्ल्ड बैंक के चक्कर में फंस के और जो पॉलिसियां आज बना रहे हैं जो पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर तबाह हुआ है उसकी तबाही में आई एम एफ का हाथ है उन्होंने इनसे ये कहा कि आप उनसे कमर्शियल बैंक से कर्जे दिलाओ और कमर्शियल बैंक ने कर्जे देने देने छोड़ दिए और वो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में लगाने लगे बैंकिंग खत्म हो गई बचतें खत्म हो गई ग्रोथ खत्म हो गई तो ये तो कौन फिर आप देखें एग्रीकल्चर नहीं नहीं तो यहाँ पर एक और पर जी सर आपके पास एक मॉडल ऑफ सक्सेस भी तो है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के एर्ट वंडर जनाब आप शौकत अजीज साहब उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे शौकत अजीज साहब के दौरान दौरान हुकूमत जो है और दौरान वजीर ख़जाना जब वो रहे वैसे भी वो वजी ख़जाना ही थे जब वजी अजम भी थे तो वजी ख़जाना ही थे बहुत नाम थे बराबर नाम लेकिन उन्होंने जो इकोनॉमिक ग्रोथ आ, क्या बात है वो तो मुशरफ साहब आज तक कहते हैं मेरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी है को कमाल मेरा बराबरी नाउजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए वो कहते हैं भाई मेरे जय को करके दिखा दे ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकस्मती है हमारे मुल्क में आपसे अर्ज मैं आपको एक रिकॉर्ड में एक चीज़ बता रहा हूँ मेरी एक किताब है दो दो हज़ार पब्लिश किताब है रिकॉर्ड पे आ चुकी है उसका नाम है पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ उसमें ये लिखा है कि ये जो दावा कर रहा है शख्स 2004 में ये बबुल है फिक्शन है ये अल्फाज में आपको बता रहा हूँ ये बबुल है बुलबुला है एक गुब्बारा है जिसमें आप पिन लगा दें और ये नेगेटिव ग्रोथ है ये कोई ग्रोथ नहीं है ये अल्फाज हैं लेकिन ये बुक में पब्लिश है और ये वो बुक है जो कि बीबीसी तक में डिस्कस हुई और उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सब तो दुनिया में तारीफ़ कर रहे हैं ग्रोथ की आई भी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मनफी ग्रोथ है बबुल है और 2007 में जब पाकिस्तान की इकनॉमी में क्राइसिस आया तो 2005 में किताब में लिखा हुआ ये हमने ये कहा यह मनफी ग्रोथ है और एक और लफ इस्तेमाल किया टारगेट किलिंग ऑफ मिडिल क्लास एक मिडिल क्लास का आदमी जिसकी चालीस हज़ार तरखाती है उससे गाड़ी भी ले लो एयर कंडीशनर भी ले लो ना बिजली है ना पेट्रोल है आपके पास पेट्रोल ऊपर जाने वाले हैं सड़कों पे जगह नहीं है वो बेवकूफ आदमी कह रहे हैं जिसकी हाँ। इम्पोर्ट जो है एक्सपोर्ट से डबल है उसको गाड़िया इम्पोर्ट करो एयर कंडीशनर एक्सपोर्ट करो उसको बात ना कि वो पहले टाइप फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ क्यों तमाशा कर रहे हैं आप ये बताइए आपने बाहर से पुर्जे मंगा के असम्बल किया गाड़ी बनाई और कहा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई

और फिर आपने कहा पांच फीसद तक कर्जा लेके सट्टेबाजी करो प्रॉपर्टी में जाओ स्टॉक एक्सचेंज ये जो क्राइसिस आया था क्यों आया था 2005 में इसलिए कि आपने कर्जा लेके उस सारा किया हुआ था तो ये जो तमाशा हो रहा था वो किसी ने बताया मैंने उसमें लिखा था स्टॉक एक्सचेंज में क्राइसिस आएगा पहले एक दिन पहले भी कहा था मैंने जब ये आया था उससे ये आएगा अब जिस तरह से हो रहा है दो में आया अब फिर यही तमाशा हो रहा है उनतालीस बताएं आप क्या दिखाई दे रहा है आपको स्टॉक एक्सचेंज के देखने वाले प्रोग्राम देख रहे हैं अब आसार बता दें नहीं, अब वो आसार आसार अब नहीं, नहीं क्योंकि अब वो खेल नहीं हो रहा और फंड्स नहीं, नहीं, नहीं है है ना अब वो खेल नहीं हो रहा इन्वेस्टर्स हैं बैंक्स हैं उन्होंने लगाया हुआ अपना वो थोड़ा झटके लगेंगे ये उनतालीस हजार अनरियलिस्टिक है ऊपर जाएगा फिर गिरेगा लेकिन क्रैश नहीं होगा इसलिए कि अब आप इन्वेस्टमेंट कराया है बैंकों ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लेकिन रियलिस्टिक नहीं है ये तो मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि अभी भी ये जो पोजिशन है ये रियलिस्टिक ये थोड़ी बढ़ेगी अभी और थोड़ी और बढ़ेगी हाँ, लेकिन फिर करेक्ट करेगी खुद जी, करेक्ट करेगी गिरेगी लेकिन क्रैश शायद नहीं क्रैश क्रैश इसलिए नहीं होगा कि जिन लोगों ने लगाया हुआ पैसा, से। दस के के है पैसा अरब रुपए के बैंकों डिपॉजिट अब वो कर क्या है। नहीं अब एक और चैलेंज भी आपके सामने रखता हूँ लोग बोलते हैं अगर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर डेवलप होता है जैसे आपको याद होगा पिछले साल आपके साथ बहुत दफा प्रोग्राम किए चाइना की मैशियत बड़े दबाव में फिर ब्रेगजिट की वजह से अब जीबीपी ने बहुत मार खाई है स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए हैं सही है। लेकिन बरतानिया का जाहिर बात है जब करेंसी गिर जाती है तो उसके एसेट्स को भी रिवेल्यू करना पड़ता है तो आप कोई दुनिया भर के अंदर क्योंकि आप बैन अवी मीशत पर भी नज़र रखते हैं कोई वहाँ से कोई आपको ऐसी चीज़ लगती है कि फिर पाकिस्तान विल हैव टू टेक यू पिछली दफ़ा भी इकनॉमिक क्राइसिस जो था देखिए ऐसा है आप जो बात कर रहे हैं ना आप, आप उसको खुल के नहीं कहने चाह मैं बता दूँ हाँ दो हज़ार में आप प्रेशर में आएंगे आएंगे बुरी तरह से प्रेशर में आएंगे और दो में आपका हशन ख़राब होगा इकोनॉमिक साइकिल जो है वो भाई जो कुछ खा भाई देखे ना ये, ये रिजर्व आपके सब ड्रामा है रिजर्स आपके ड्रामा है क्योंकि सारे आपने कर्जे इधर उधर के लिए हुए महंगे शरस दो हज़ार उन्नीस में दो हजार अट्ठारह में आई एम एफ को अपने किस्तें वापस करनी है वो प्रेशर शुरू होगा आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं पाक चाइना कॉरिडोर जिसका किस्मत बढ़ रही है बड़ी मुझे खतरा ये है कि आज आपने अगर ये वार्निंग आवाम को नहीं दी कि हुकूमत में प्रेशर डालें तो खुदा न खास्ता 2018 में इकोनॉमिक क्राइसिस में आएगी और 2019 में आप आईएमएफ के सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे नंबर एक मगर इससे बड़ा ख़तरा अगर उस वक्त अमेरिका को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं रही जितनी आज है तो अमेरिका आपके साथ एग्रेसिव होगा आज का आप, आप बयान पढ़ लें जो कुछ अफगानिस्तान में बात हो रही है तो अमरीका हिंदुस्तान अफगानिस्तान ये सब पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं जी और दो में जब आप आई के पास जाएंगे तो 2013 से मुख्तलि होगा और आपने बोला कि अभी आगे आने वाले दो साल में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें और चैलेंजेस बढ़ जाएंगे जा। सोल्यूशन बता दें देखिए सोल्यूशन बिल्कुल वाजह है क्योंकि लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूँ कि दो हज़ार अठारह उन्नीस में जिस क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं अगर उसमें अमरीका का हमदर्दाना रवैया बदल गया अफगानिस्तान में उनकी ज़रूरत नहीं रही तो फिर आई एम एफ भी आपको आँखें दिखाएगा और फिर ग्रीस का अशर याद रखें ग्रीस का चूंकि मैं वारंटर नहीं लड़ाता एक तो ये जहन तो इसका मतलब यह है कि आज मसनू रिजर्व पर भरोसा करने के बजाय आप गैर ज़रूरी इम्पोर्ट्स कम करें और एक्सपोर्ट की तरफ जाए अभी खुश होने की बात नहीं है कि आपका बजट डेफिसिट कम है उसकी वजह यह है कि तेल की कीमतें कम है जो कम नहीं रहेंगी नहीं। कम नहीं रहेंगी बिल्कुल सही बात है तो इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशली जो कम्फर्ट है ये नहीं होगा तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आज से हमत अमली वजाय करनी पड़ेगी जिसमें जरा टेक्सटाइल से बाहर भी निकलना पड़ेगा और गैर नॉन ऑयल इम्पोर्ट जो है ना उसमें ड्रास्टिक कट आना चाहिए जो नहीं आ रहा अदर देन मशीनरी ऑयल इम्पोर्ट में हम कट कर सकते हैं कोई ऐसा तरीका कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में तो नहीं हो सकता हमारी प्रोडक्शन ही नहीं है सर डेढ़ लाख क्या चीज़ मैंने इसीलिए तो कहा ही नहीं ना मैंने तो बात ही नहीं की कि नहीं हो सकता मशीनरी के अलावा नॉन ऑयल जो है उनको कम करने की बहुत ज़रूरत है डिपार्टमेंट में स्टोर्स में जो कुछ भरा हुआ है वो नहीं होना चाहिए तो वो एक्सपोर्ट बढ़ाया सर एडिबल ऑयल का भी बहुत बड़ा मसला है आपको बताएं वी आर आज आज वो ये ये वहां बता दूँ आपको प्राइस कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो पामोलिन के भी नीचे गई जी जी बिल्कुल उस पर भी हमने थोड़ी सेविंग की तो है वो भी सेविंग की लेकिन नहीं रहेगी नहीं, नहीं।, नहीं मगर नहीं नहीं। एक और जिसकी मैं परेशानी है वो मैं बता दू रेमिटेंसेस एक तो रेमिटेंसेस ये सारी जेनविन नहीं है दूसरी की उसकी ग्रोथ ऑलरेडी स्लो हो गई है जी जी जो भेज रहे हैं उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस है जो भेज रहे हैं वो खुद परेशानी में आ रहे हैं नहीं जो यहाँ से भेज रहे हैं वहां से भेज रहे हैं नहीं जो यहाँ से भेज रहे हैं वो तो चल रहे हैं वहाँ से भेज रहे हैं वो, वो क्राइसिस में आ रहे हैं बाहर से तो उस तो वो ग्रोथ भी कम होगी।, वो कम होगी तो इन तमाम चीज़ों को देख के आप रिवोल्यूशनरी प्लान्स बनाएँ कि अपने रिजर्व बढ़ाने हैं हाँ। बरामदात के जरिए इम्पोर्ट्स कम करके कम करनी है करप्शन को रोकना है टैक्स की चोरी को रोकना है बैंककारी के शोबे की असलाह करनी है एग्रीकल्चर को ग्रो करना है ताकि आम आदमी को कुछ मिले और माइक्रो फाइनेंस को आप ज़्यादा बढ़ाएँ जक़ात के साथ उसको रिलेट करें ताकि आम आदमी असल में अब ये ला ताल्ल्लु हो गया है वो कहते हैं जो करते हैं करें हमें कुछ नहीं मिलने वाला देस, देस, और देस, ये चीज़ जो है ना जहर कातिल है तो यानी जो कुछ आट मायूसी आ गई ना बिल्कुल मायूसी आ गई और ला तल्लु हो गया वो कहते हैं छोड़ें जी आ, कुछ नहीं होने वाला कहना जी हमारे लिए तो कुछ होने वाला नहीं जो करना करें तो ये जो चीज़ है ला तल्लु कोई प्रेशर नहीं तो अब ये चीज़ आपको उनको जगाना है कि आपकी ला तल्लु आँख बंद करने से खतरा कम नहीं होंगे वो दो हजार उन्नीस में जब आएंगे तो आप ही नुकसान उठाएंगे तो ये चीज़ को अवेयरनेस जितनी ज़्यादा आप क्रिएट करेंगे आपको खिदमत कर रहे होंगे सही सही बहुत अहम बात की आपने डॉक्टर शाह हसन सदी साहब आपका बहुत शुक्रिया मेरे ख्याल आपने बहुत से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर किया और मेरे ख्याल हमारे नाजरन उससे जो है वो बड़े इंफॉर्म हुए होंगे इन्फॉर्म हुए होंगे और उनको पता लगा हुआ कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि की जा सकती हैं जिससे इसको एवर्ट कर दें या कम अज़ कम जो है उसको स्पीड को स्लो कर दें अब उम्मीद और तो की जा सकती है और मैं क्या कहूँ अल्लाह बेहतर आपका बहुत शुक्रिया एक फिर से नाजरी हम सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतरक रहते हैं आपके सवाल के हम मंतजर रहते हैं आपके मजामी को हम शामिल करेंगे प्रोग्राम के अंदर आज के लिए अली नासिर को हमारी टीम को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़